नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग हिबिस्कस प्लांट की कुछ ज़रूरी प्रोसेस पर बात करेंगे, जिससे कि हमें सारी गर्मी बरसात अपने हिबिस्कस प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग मिलती रहे। क्योंकि देखिए, किसी भी प्लांट को हम सिर्फ दो ही सीजन में रिपोर्ट कर सकते हैं, पहला रेनी सीजन और दूसरा स्प्रिंग सीजन। और इन दोनों ही सीजन में टेम्परेचर बिल्कुल सामान्य सा रहता है और रिपोर्ट करने पर प्लांट्स ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आते हैं और इजीली नई मीडिया में नए पॉट में सेट भी हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों, हिबिस्कस प्लांट की प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग, नई पॉटिंग सॉइल मिक्स, रिपोर्टिंग के लिए पॉट की साइज, इन सभी ज़रूरी पॉइंट को कवर करेंगे। सबसे पहले हमें हिबिस्कस प्लांट की प्रूनिंग करनी है। अगर आप वेरीगेटेड यानी हाइब्रिड हिबिस्कस की प्रूनिंग करते हैं तो आप लाइट प्रूनिंग करें, हार्ड प्रूनिंग आप ना करें। हार्ड प्रूनिंग से मतलब आप ज़्यादा कटाई छटाई ना करें, आप सिर्फ ऐसे ब्रांच की प्रूनिंग करें जो ज़्यादा हाइट तक जा रहे हैं। क्योंकि पॉट कल्चर में हमें प्लांट की शेप को भी ध्यान में रखना पड़ता है, तभी प्लांट पॉट में लगे हुए अच्छे दिखते हैं। इसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि हाइब्रिड हिबिस्कस की ग्रोथ देसी हिबिस्कस के जैसी बहुत फास्ट नहीं रहती है, इसलिए अगर आप हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तो तब की कंडीशन में प्लांट को रीग्रो होने में ही महीनों लग जाएंगे और हो सकता है कि जब फ्लावरिंग टाइम आए तब हमें ज़्यादा फ्लावरिंग देखने को ना मिले। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देसी हिबिस्कस की प्रूनिंग करते हैं तो आप उसकी हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देसी हिबिस्कस की रूट्स की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहती है, इसी वजह से उसकी लीफी ग्रोथ भी ज़्यादा फास्ट रहती है। किसी भी प्लांट से ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए, ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए सारा खेल रूट्स की ग्रोथ का ही रहता है। रूट्स की ग्रोथ पर आप जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा रिजल्ट आपको ऊपर देखने को मिलेगा। दोस्तों, प्रूनिंग करने के बाद इन सारे ब्रांच को आप फेंकने की बजाय कटिंग से ग्रो कर लें, क्योंकि अभी स्प्रिंग सीजन में इसकी कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाएगी। इसके बाद हमें हिबिस्कस प्लांट को पॉट से बाहर निकाल लेना है। अगर रूट्स बाउंड हुई होगी तो रूट्स की लाइट प्रूनिंग करेंगे और अगर नहीं हुई होगी तो इसे जैसे का तैसा ही रिपोर्ट कर देंगे, लेकिन पॉट की साइज़ पहले से थोड़ी सी बड़ी लेंगे। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं रूट बाउल के नीचे वाइट वाइट से रूट्स निकली हुई हैं और इसी वाइट रूट से जो है पौधे न्यूट्रिशंस को इंटेक करते हैं, इसलिए मैं इसकी रूट्स की प्रूनिंग नहीं करूँगा। चलिए अब दूसरे हिबिस्कस प्लांट की रूट्स की स्थिति देखते हैं। दोस्तों, इसमें पहले वाले हिबिस्कस प्लांट की तरह वाइट रूट ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ बहुत है, इसलिए इसकी भी मैं रूट्स प्रूनिंग नहीं करूँगा, बल्कि इसकी सिर्फ साइड साइड की ही मिट्टी रिमूव करूँगा और रूट बाउल को खोल दूँगा। हाइब्रिड हिबिस्कस प्लांट की रूट्स की प्रूनिंग आप तभी करें जब रूट्स बहुत ज़्यादा बाउंड हो गया हो और पूरी की पूरी आपस में गुथ गई हो। नॉर्मल कंडीशन में आप उसको जैसे का तैसा ही थोड़े से बड़े पॉट में रिपोर्ट कर दीजिए। अगर कुछ महीनों में रूट बाउंड हो भी जाती है तो ऐसा नहीं है कि हमें रिपोर्ट करने के लिए नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन का वेट करना पड़ेगा, यह काम आप रेनी सीजन में भी कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही आप रूट की प्रूनिंग करें। यहाँ पॉटिंग सॉइल मिक्स के लिए मैंने लिया है गार्डन सॉइल 30%, काउ डंग मैन्योर 30%, कोकोपीट 20% और 10-10% की रेशियो में राइस हस्क और सैंड यानी बालू रेत। यहाँ जो हमने कोकोपीट, राइस हस्क और रेत लिया है, ये तीनों ही मिट्टी को वेल्डेन बनाने का काम करते हैं और राइस हस्क और कोकोपीट की वजह से मीडिया में कुछ बहुत मॉइस्चर भी होल्ड रहेगी, जो कि हिबिस्कस प्लांट को मॉइस्चर काफ़ी पसंद होता है। हिबिस्कस के लिए आप ऐसी मीडिया बनाइए जो वेल्डेन और पोरस होने के साथ साथ कुछ बहुत वो मॉइस्चर को भी होल्ड करता हो, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैं इस रेशियो में पॉटिंग सॉइल मिक्स तैयार कर रहा हूँ। रिपोर्ट करने के लिए मैंने 12 इंच का पॉट लिया है। पहले मैंने हिबिस्कस प्लांट को 10 इंच के पॉट में ग्रो किया था। पॉट के ड्रेनेज होल को टूटे गमले के ठीकरी वगैरह से कवर करके सॉइल मिक्स इसमें फिल करेंगे, जिससे एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट होता रहे लेकिन सॉइल मिक्स न बहे और पॉट में स्टेबल रहे। दोस्तों, अब हमारा हिबिस्कस प्लांट रिपोर्ट हो चुका है। अब हमें लेना है एक प्लांट के लिए 1.5 लीटर के लगभग पानी और उसमें ऐड करना है हमें सबसे पहले बावेस्टीन 1 चम्मच के करीब। मैंने यहाँ 2 प्लांट के लिए 3 लीटर पानी लिया है, इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच के लगभग बावेस्टीन ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके हिबिस्कस प्लांट की जड़ों में निमेटोड की समस्या है तो आप स्टार्ट में बावेस्टीन ही यूज करें, जिससे वो जल्द से जल्द कंट्रोल में आ जाएगा
और अगर रूट्स में कोई भी बीमारी नहीं है तो आप बाविस्टिन की जगह ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं। क्वांटिटी आपको सेम ही लेनी है। निमेटोड क्या होता है इसकी जिक्र मैंने पिछली मोगरा रिपोर्टिंग की वीडियो में भी किया था। इसके बाद हमें लेना है ह्यूमिक एसिड 1 से 1.5 ml। देखिए मैं यहाँ 2 प्लांट के लिए बना रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा ही इसे भी ऐड करूँगा। इससे रूट्स की ट्रीटमेंट भी हो जाएगी और ढेर सारे नए नए रूट्स तेज़ी से बनेंगे। ह्यूमिक एसिड रूट्स को मल्टीप्लाई करता है और बाविस्टिन रूट्स में फंगस बैक्टीरिया वगैरह को पनपने से रोकता है। अगर आपके हिबिस्कस प्लांट की रूट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो आप ये फॉर्मूला एक बार ज़रूर अपना कर देखिए, आपको निश्चित ही इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये ना होने पर आप इसे सीड शॉप से ख़रीद कर ले आइए, क्योंकि हाइब्रिड हिबिस्कस को पॉट में ग्रो करने के लिए ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे हर महीने एक बार डालते रहिए, आपका पॉट रूट से भर जाएगा। दोस्तों आज की यह वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।